हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर दिव्या तिवारी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेगनेंसी का पहला महीना। अब तक आपने इतने सारे वीडियोस देखे होंगे कि अब तक आप कंफ्यूज हो चुके होंगे कि प्रेगनेंसी के इतने सारे सिम्टम्स होते हैं, इतने सारे लक्षण होते हैं, तो इसमें मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, अब तक आप टोटली कंफ्यूज हो चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेगनेंसी का पहला महीना। अभी आपका पीरियड मिस हुआ है और आपने अपनी किट चेक करी और किट पॉजिटिव आई है, तो चलिए उसके बारे में बताते हैं। तो प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कब आता है, तो सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। बहुत सारी महिलाएं आती हैं जो मुझे बोलती हैं कि मैडम, मैंने 2-3 दिन पहले ही सेक्सुअल एक्टिविटी करी थी, क्या मुझे लगता है कि बच्चा कंसीव हो गया होगा, तो क्या मैं अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लूँ, क्या वो पॉजिटिव आएगा, क्या वो मुझे रिजल्ट बता देगा। और कभी कभी बहुत सारी महिलाएं ऐसा पूछती हैं कि मैडम, मैंने सेक्सुअल एक्टिविटी करी थी और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा रुक गया है, मैंने आई पिल नहीं खाई है। और कई बार बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि वो बोलती हैं कि मैडम, मैंने आई पिल खाई है पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बच्चा कंसीव हो गया है, तो क्या मैं अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लूँ, क्या वो रिजल्ट बता देगा। तो नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट 28 डेज की अगर आपकी साइकिल है, आपको उसके बाद ही अपना टेस्ट करना है, क्योंकि 14 डेज पे ओव्यूलेशन रहता है। ओव्यूलेशन के बाद जो फीटस होता है वो 6 डेज के बाद यूट्रस में इम्प्लांट होता है आपके, तो ऑलमोस्ट 3 वीक्स निकल चुके होते हैं। आप अगर 28 डेज के 1-2 दिन पहले किट चेक करती हैं तो कभी कभी कुछ पेशेंटों की किट पॉजिटिव आ जाती है, पर ऑलमोस्ट पेशेंटों की किट 28 डेज 30 डेज के बाद ही पॉजिटिव आती है। अगर आपका पीरियड मिस हुआ है और फिर भी आपकी किट पॉजिटिव नहीं आ रही है, तो आपको अपनी किट 30 डेज के बाद चेक करने के बाद फिर से एक बार उसके 8 दिन बाद रिपीट टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कम एटलीस्ट अपना पीरियड मिस होने का वेट जरूर करना चाहिए, पर कुछ पेशेंटों को जब हम बोलते हैं कि आपका 1 महीना 5 दिन हो गए हैं या 1 महीना 10 दिन हो गया है, तो पेशेंट बोलते हैं, नहीं नहीं मैडम, ऐसे कैसे हो गया है, मेरा जो सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी या मेरी जो हस्बैंड से मीट हुई थी वो तो पीरियड के 15 डेज बाद हुई थी या पीरियड के 10 डेज बाद हुई थी, तो मैं तो उसी दिन से काउंट करूंगी। पर ऐसा नहीं होता है। जब आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया था, मतलब जो आपकी LMP थी, हम उससे काउंट करते हैं, क्योंकि साइंटिफिक उसी को काउंट किया जाता है। जब आप सोनोग्राफी के लिए जाते हैं तभी भी आपकी LMP से ही आपकी EDD निकाली जाती है, मतलब कि डिलीवरी की डेट निकाली जाती है। अगर आपका पीरियड 1 जुलाई को आया है और 1 अगस्त को नहीं आया है, इसका मतलब कि आपका 1 महीना कंप्लीट हो गया। अगर आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि आपका 1 महीना 10 दिन हो गया है, 1 महीना 15 दिन हो गया है, तो आप उस बात को मानिए। ऐसा नहीं कि आप ये बोलें कि नहीं, मैंने तो इतने दिन बाद इंटरकोर्स किया था तो मेरा बच्चा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए या मेरा बच्चा इतने दिन का नहीं होना चाहिए। आपका पीरियड जिस दिन आया था उसी दिन से आपका टाइम ऐड किया जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। जब आप सोनोग्राफी के लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 5 दिन या 1 महीना 15 दिन हो चुका होता है। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो हार्ट बीट 1 से 1.5 महीने के बीच में सुनाई देने लगती है। अगर मैं आयुर्वेद साइंस की बात करूं तो कुछ आचार्य हैं जिन्होंने कहा है कि गर्भ में बच्चे का हृदय 30वें महीने में बनता है, और कुछ आचार्य का मत है कि बच्चे का हृदय माँ के गर्भ में 4वें महीने में विकसित होता है। जब आपके यूट्रस में भ्रूण इम्प्लांट हो चुका होता है तो जो पूरी ब्लड सप्लाई होती है वो नीचे की तरफ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ब्लड फ्लो नीचे की तरफ ज़्यादा होता है, जिससे और जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है धीरे धीरे, तो आपको अपने पेट के निचले भाग में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होने लगता है। आपको जब ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है तो आपको अपने वजाइनल रीजन में इचिंग होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है कुछ महिलाओं को, और पेट में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। प्रथम तिमाही में मेनली 3 हार्मोन बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं, जैसे कि पहला हार्मोन है HCG हार्मोन, दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और तीसरा हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। जब आपका मिसकैरेज बार बार हो रहा होता है, अबॉर्शन बार बार हो रहा होता है,
तो आपको ज़्यादातर डॉक्टर्स नेचुरल प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन देते हैं और आपको एससीजी हार्मोन्स के इंजेक्शन देना शुरू कर देते हैं, तो वो आपके बच्चे को स्टेबल करने के लिए जो हार्मोन्स की कमी हो रही है उसके लिए ही दिए जाते हैं। पेशेंट को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, क्योंकि जब जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होता है, बच्चे का साइज बड़ा हो रहा होता है, तो नीचे के भाग में मैला को भारीपन महसूस होता है। आपकी बच्चेदानी से ही लगा हुआ आपका ब्लैडर रहता है, जब ब्लैडर पर दबाव पड़ता है तो महिला को लगता है कि उसको बार बार पेशाब लगी है, उसको बार बार पेशाब जाना चाहिए। ये मेन सिम्टम्स रहते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ही ज्यादा रोल निभाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट की जो मसल्स रहती हैं उनको रिलैक्स रखता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब मसल्स को सिकुड़ने से वो रोकता है, और वो प्री टर्म लेबर यानी कि बच्चे का समय से पहले डिलीवरी हो जाने को भी वो कंट्रोल करता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। और आपका जो एससीजी हार्मोन होता है वो वॉमिटिंग को इंड्यूस करता है, वॉमिटिंग कराता है पेशेंट को। जब एससीजी हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो पेशेंट को ज़्यादा ही वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। पर ये तीनों हार्मोन आपकी पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब इन तीनों हार्मोन्स में इम्बैलेंस होता है आपके 8वें और 9वें महीने में जाके, उसके बाद ही आपके नए हार्मोन्स बनते हैं और लेबर पेन शुरू होते हैं और आपकी डिलीवरी होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।